भोजपुरी के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव को दिल्ली की हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। खेसारी लाल यादव अब किसी भी कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं सिवाय ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के। दिल्ली के हाई कोर्ट ने अपने 90 पेज के जजमेंट में यह बात स्पष्ट कर दी है कि अब खेसारी लाल यादव किसी भी कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं, जो खेसारी लाल यादव के लिए एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कल देर शाम दिल्ली की हाई कोर्ट के एक फैसला ने न सिर्फ खेसारी लाल यादव के समर्थक बल्कि पूरे भोजपुरी समाज को एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने एक जजमेंट खेसारी लाल यादव के खिलाफ सुनाया, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि खेसारी लाल यादव ने चीट किया है। ऐसे में 2025 तक खेसारी लाल यादव गाना नहीं गा सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में खेसारी को गाना गाने पर बैन लगा दिया। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल तारीख 27 मई 2022 खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के साथ 5 करोड़ रुपए में एक डील करते हैं कि आपको 30 महीने के अंदर 200 गाने हम देंगे। 200 गाने यानी कि खेसारी लाल यादव के ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन पर रिलीज होंगे, और खेसारी लाल यादव ने उस एग्रीमेंट को अपने मन से तोड़ दिया। 30 महीने का समय बीत जाता है और मात्र ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन को खेसारी लाल यादव 89 गाने ही देते हैं, यानी कि 50% से कम गाने खेसारी उस म्यूजिक कंपनी को देते हैं जिसके साथ उन्होंने डील किया था, एग्रीमेंट किया था 5 करोड़ रुपए। जिसके बाद खेसारी लाल यादव को ऐसा लगा कि अब तो 30 महीने का समय बीत गया, यानी कि आपका और मेरा एग्रीमेंट खत्म, मेरा हिसाब किताब आपके साथ अब पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन ने 5 करोड़ रुपए दिए थे 30 महीने के अंदर 200 गाना गाने को लेकर, जिस पर खेसारी लाल यादव खड़े नहीं उतरते हैं। उन्होंने उस एग्रीमेंट को अपने मुंह से, अपने मन से तोड़ देते हैं और 30 महीने के बाद खेसारी बाकी दूसरे कंपनियों के साथ गाना गाने लगते हैं। जैसे ही खेसारी लाल यादव का गाना दूसरी कंपनी यानी कि ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के अलावा दूसरी कंपनी पर रिलीज होता है, ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन जो है वो स्ट्राइक मार मार कर उनके गाने को डिलीट करने लगता है। जिसके बाद खेसारी लाइव भी आते हैं, रोते हैं और ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ इंडस्ट्री में साजिश की जा रही है, इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल ही करते हैं। क्योंकि आप किसी के साथ एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट को अपने मन से तोड़ देते हैं और दूसरे कंपनियों के साथ पैसे के लिए गाने गाने लगते हैं, और जब वो कंपनी क्लेम करती है यूट्यूब से आपके गाने को डिलीट कराती है, तो फिर आप लाइव में आकर रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। कई गाने खेसारी लाल यादव के डिलीट हो जाते हैं, कई गानों का व्यूज नहीं जाता है। तब खेसारी लाल यादव का अंतिम फैसला होता है कि अब ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाती है। तकरीबन 1 साल लंबे सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जब याचिका दायर की गई थी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि खेसारी लाल यादव तब तक गाना गा सकते हैं जब तक कि फैसला नहीं आ सकता है। कल दिल्ली हाई कोर्ट के 90 पेज के जजमेंट में यह बात स्पष्ट हो गई कि खेसारी लाल यादव 5 सितंबर 2025 तक किसी भी कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं। यानी खेसारी लाइव कर सकते हैं, फिल्म कर सकते हैं, किसी टेलीविजन चैनल्स पर जाके प्रमोशन कर सकते हैं, गाने गा सकते हैं, लेकिन म्यूजिक कंपनी पर गाना नहीं गा सकते हैं सिवाय ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के। अगर खेसारी लाल यादव को गाना गाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन कंपनी पे, क्योंकि आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया, आपने उसके साथ धोखा किया, आपने उस एग्रीमेंट को तोड़ा, जिस एग्रीमेंट को आपने 5 करोड़ रुपए लेकर किया था। हाई कोर्ट ने भी खेसारी को बड़ा झटका दिया और खेसारी के समर्थक भी इस बात को सोच रहे हैं कि चलो भाई, अब जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है तो क्या होगा, अब हम लोग ऊपरी अदालत में जाएंगे यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि यह मामला आगे बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। लेकिन बहरहाल एक बार फिर से बता दें, खेसारी लाल यादव 5 सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के अलावा दूसरी म्यूजिक कंपनियों पर गाना नहीं गा सकते हैं। गाना गाने के अलावा यानी कि म्यूजिक कंपनियों पर गाना रिलीज होने के अलावा बाकी सारे काम खेसारी कर सकते हैं, जैसे में स्टेज परफॉर्मेंस, लाइव, फिर उसके बाद जो कार्यक्रम होता है वो कर सकते हैं, फिल्म कर सकते हैं, लेकिन किसी भी म्यूजिक कंपनी पर वो गाना नहीं गा सकते हैं। दिल्ली की हाई कोर्ट ने 90 पेज के जजमेंट में बड़ा फैसला, या फिर यूं कहें कि खेसारी लाल यादव को
बड़ा झटका दिया है। भोजपुरी के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को बड़ा झटका दिल्ली की हाईकोर्ट ने दिया है। दिल्ली की हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है खेसारी लाल यादव आगामी 5 सितंबर 2025 तक किसी भी कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं। अगर वो गाना उनको गाना है तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ ही गाना है, उसी कंपनी पर उनकी गाने रिलीज होगी। हाँ, अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन चाहेगी, दया दिखाना चाहेगी, तो खेसारी लाल यादव को यह छूट दे सकती है कि आप दूसरे कंपनियों पर गाना गा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ओनर के ऊपर, उनके डायरेक्टर के ऊपर, उनका मूड और मिजाज क्या है, वो खेसारी लाल यादव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या खेसारी लाल यादव को माफ़ कर देंगे, क्या खेसारी लाल यादव को कुछ रियायत देते हैं या फिर नहीं देते हैं। बहरहाल इसको मिलता ही, अगर आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.